हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लियो एक्वा। और लियो एक्वा में आप लोगों का स्वागत है। तो ये मेरा वर्क अराउंड आज का वीडियो होगा, वर्क अराउंड माय डिस्कस टैंक। तो मैंने एक नया डिस्कस टैंक एक्चुअली सेटअप किया है। डिस्कस मेरे पास लास्ट नियर अबाउट 8 मंथ या 9 मंथ से है मेरे पास, बट वो एक्चुअली 2 फीट के टैंक में था। तो एक्चुअली जनरेट क्या होता है, डिस्कस का अगर आप स्पेस लेस रखना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको उसको थोड़ा सा स्पेस देना होगा। तो दैट्स वाई आई हैव सेट अप अ न्यू टैंक। ओके, तो आज का वीडियो उस टैंक पर है जो अभी आप लोगों के सामने अभी आप देख रहे हैं। तो मैं इस टैंक का टोटल वर्क अराउंड दूंगा और मैं अपने डिस्कस के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ वो भी आप एक्चुअली जान सकते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा टैंक है, टैंक के बारे में बताता हूँ। ये मेरा लोकल कस्टम मेड टैंक है, ठीक है, जो कि मैंने लोकल कस्टम जो एक्वेरियम शॉप होता है उनसे मैंने खरीदा था। इस टैंक का पहले मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ। ये टैंक मेरा 3 फुट 1.5 फुट और 2 फुट, ठीक है। तो ये 3 फुट का है और पीछे आपका 1.5 फुट है और ऊपर आपका प्योर 2 फुट का है, ठीक है। ये इसका टैंक का डायमेंशन है। टैंक का कैपेसिटी है आपका टोटल 240 लीटर्स, या 240 लीटर्स में वाटर यहाँ तक आता है, यहाँ तक, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ इतना खाली हुआ है। तो इन दिस वीकेंड आई विल क्लीन दिस टैंक, ओके। और मैं जनरली एवरी संडे को मैं अपने एक्वेरियम का केयर करता हूँ, ठीक है। तो इसका 240 लीटर का टोटल कैपेसिटी है। अब इस टैंक का डेकोरेशन के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है, तो इस टैंक के डेकोरेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने ब्लैक यूज़ किया है, ओके। ब्लैक क्यों, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड से क्या होता है, कोई भी फिशेस के कलर जो है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आते थे। दैट्स वाई आई यूज़ अ ब्लैक कलर। ग्राउंड ब्लू है क्योंकि सी व्यू एक्चुअली चाहिए था, ठीक है, वाटर का सी व्यू चाहिए था, इसलिए ग्राउंड मेरा ब्लू है। और ये मैंने ब्लैक कलर का टेप मैंने कस्टम यूज़ किया है। तो ये इस टैंक को सेटअप किए हुए आज मेरा नियर अबाउट 15 to 20 डेज हुआ है, ठीक है। अभी इसके अलावा ये तो था टैंक के बारे में। अब इस टैंक में क्या क्या है, तो पहले एसेसरीज से बात करते हैं। सबसे पहले ये जो अभी एसेसरीज आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये रियल नहीं है, ये कस्टम है, ठीक है, प्लांट है आपका, प्लास्टिक का प्लांट है। उसके बाद ये एक मैंने लोकल मार्केट से ये प्लांट रख लेके एक डाला है ताकि मेरे जो डिस्कस है उसे कुछ हाइडिंग स्पेस मिले, ओके। जब भी वो स्ट्रेस में हो या जब भी उसे डर लगे तो वो एक्चुअली उसे एक हाइडिंग स्पेस चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा डिस्कस अभी थोड़ा सा हाइडिंग स्पेस को इन्जॉय कर रहा है। तो उसके बाद ये जो स्टोन है इट्स नॉट परचेज, ये मैंने एक्चुअली रोड साइड से मेरे पास नियर अबाउट मेरे नियर में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ से मैंने ये कुछ स्टोन्स कलेक्ट किए थे। वो स्टोन को मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करके मैं इसको ऑलरेडी नियर अबाउट 2 मंथ ये मेरा किसी दूसरे टैंक में रहा है और उस टैंक में मेरे फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन आई विल पुट दैट स्टोन इन माई डिस्कस टैंक, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा वॉल बबल्स आ रहे हैं, इसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप यूज़ किया है जो कि बबल थ्रो करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक पंप यूज़ किया है जो कि डुअल है, मतलब इसके अंदर 2 नॉजल्स होते हैं। तो एक नॉजल मैंने आपका ये इसके लिए यूज़ किया, क्या, स्पंज फिल्टर के लिए, ओके। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और सजेशन आप बोल सकते हैं कि आपका कोई भी टैंक हो आप एक स्पंज फिल्टर ज़रूर यूज़ करें, चाहे आपका कोई भी फिल्टर हो। स्पंज फिल्टर क्या होता है, वो स्मॉल डस्ट जो कि वाटर में जनरली नॉर्मल फिल्टर आपको क्लीन नहीं कर पाते वो एक्चुअली वो अब्जॉर्ब कर लेता है खुद में, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा मात्र 20 डेज का ये स्पंज है और ये कितना डर्टी हो चुका है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना यूज़फुल है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो वाटर आप देख रहे हैं ये टोटल फिल्टर वाटर है, कि ये टैप वाटर नहीं है। इसे मैंने टोटल फिल्टर वाटर मेरा 240 लीटर मैंने परचेज करके इसमें पुट किया है ताकि ये क्लीन लग रहा है। और आज इसका 15 to 20 डेज हो चुका है। मैंने इसमें वायरिंग थोड़ा आई यूज़ दस कॉर्नर ऑफ द ग्लास टू कम्प्लीट दिस वायर, ओके। ये पूरा राउंड वायर है। इसमें मेरा हीटर हमारा मेरा 24/7 ये हीटर चलता है मेरा, ठीक है। रात में हीटर 2 से 3 बार तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो डिस्कस टैंक जब भी रखते हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिस्कस रखने के लिए मिनिमम आपका टैंक का कैपेसिटी 200 प्लस होना चाहिए। ऐसा एक्चुअली लोग कैलकुलेशन करते हैं, 1 डिस्कस इक्वल टू 30 लीटर। तो अगर आप
10 डिस्कस रख रहे हैं तो एटलीस्ट आपका टैंक का कैपेसिटी 300 लीटर होना चाहिए। ओके, तो मेरे यहाँ पे 5 डिस्कस है तो उसके लिए टैंक कैपेसिटी इनफ है। इसके बाद मैंने इस टैंक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ मैंने जेब्रास और कुछ मैंने कलरफुल टेट्रास आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पुट किया है। ठीक है, ये टेट्रा जब मैं परचेज किया था जस्ट नियर अबाउट 1.5 इंच। ओके, और ये 15-20 डेज में ये टेट्रा बिन खा करके ये इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरे पास टोटल 5-6 पीसेस ऑफ डिस्कस है। इस ये जो भी डिस्कस है इसका ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। और एक्चुअली इस डिस्कस ये मेरा सबसे फेवरेट डिस्कस है। ठीक है, ये अभी इसका कलर थोड़ा सा चला गया है। ठीक है, लेकिन जब ये कलर होता है इट्स गिव मी वन जेब्रा, इसके पूरे बॉडी पे जेब्रा लाइन आता है। ओके, तो इसका नाम ये देखिए ये कभी कलर ला रहा कभी छोड़ रहा। ओके, सो ही इज इन अ स्ट्रेस, तो इसके वजह से। ठीक है, तो ये था टोटल मेरा डिस्कस टैंक। अब मैं बता रहा हूँ इसमें और क्या क्या मैंने यूज़ किया। ठीक है, मुझे वाइट लाइट डिस्कस के लिए अभी उतना पसंद नहीं है। आई जस्ट लाइक अ ब्लू लाइट ताकि रात को इसका व्यू बहुत 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 सुंदर आता है। ओके, और दैट्स वाई आई डिड नॉट यूज एनी अदर लाइट वाइट और एनी अदर कलर। ओके, मेरा सरफेस पूरा ओपन है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि सरफेस ओपन है, सरफेस पे डस्ट आ सकता है, तो नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक ये फिल्टर है, आप देख सकते हैं ये मेरा फिल्टर है, आपका कैनिस्टर फिल्टर है। मेरे पास सोबो का एक कैनिस्टर फिल्टर है जो कि इस टैंक के लिए बहुत ही अच्छा, वो मैंने परचेस किया था ऑनली 4800 में। ठीक है, इस टैंक के साथ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और आज करीबन लगभग एक महीना के लगभग हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, वाटर क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है इसका, इसमें आप देख सकते हैं एक भी डस्ट नहीं है। जबकि मैं बता दूं मैंने इस टैंक के सरफेस को लास्ट 5-10 डेज मैंने क्लीन नहीं किया, तो आप देख सकते हैं जो भी है वो सारे वो सक कर लेता है। ओके, इसका आप देख सकते हैं इसके जो नीचे का होल है वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो इसे मैं कल क्लीन करूँगा। ठीक है, तो ये था मेरा, हाँ, तो इस टैंक में मैंने एक्सेसरीज में क्या क्या यूज़ किया है। एक मेरा कैनिस्टर फिल्टर है सुबह का। ठीक है, एक मेरा हीटर है। ठीक है, जिसका कि टेम्परेचर 30 है और ये दिन में पूरे 24 आवर में 4-5 टाइम ये ऑन होता है। ठीक है, बारिश के मौसम है इसलिए। एक स्पंज फिल्टर है, स्पंज फिल्टर के साथ मेरा डुअल नोजल वाला एक पंप है जिसका कि मैंने ऑलरेडी परचेज वीडियो बनाया है, वो लोग आप लोग मेरे वीडियो लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास इसमें छोटे छोटे टोटल 3 डिफरेंट कलर के टेट्रास हैं जो कि टोटल 15 हो गए और 5 जेब्रास हैं। ओके, ठीक है, तो ये मेरा टोटल 20 का स्मॉल पीसेस का कलेक्शन है। ओके, और मेरे पास ये टोटल 5 डिस्कस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसे जब मैंने परचेस किया था ये काफ़ी छोटे थे। मेरे पास एक ब्लू भी है, ब्लू वो देखिए बोरा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो मेरे डिस्कस टैंक पे। अब मैं थोड़ा सा प्राइस वाइज आप लोगों को भी बता देता हूँ। ठीक है, तो डिस्कस का प्राइस मैं नहीं बता सकता क्योंकि डिस्कस का प्राइस आपको जनरली मार्केट टू मार्केट और शॉपकीपर टू शॉपकीपर वैरी करता है, बट मैं आप लोगों को इतना श्योर कर सकता हूँ कि जिस प्राइस में मैंने डिस्कस कर दिया था वो प्राइस आज के टाइम में पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता। ठीक है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात पर। और मैंने डिस्कस परचेस किया था नियर अबाउट 300-400 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोल नहीं सकता और काफ़ी हेल्दी सिचुएशन में था मेरा डिस्कस जब मैं परचेज किया। ओके, और उसके बाद ये टेट्रास मैंने 20-25-30 रुपीज़ इस रेंज में मैंने परचेज किया है। वो स्पंज फिल्टर मेरा 70 रुपीज़ का है, वो हीटर मेरा 120 रुपीज़ का है। ये मेरा जो फिल्टर है ये मैंने खरीदा था 4800 में सुबह का। ठीक है, और जो मैंने डुअल नोज का जो पंप लिया है, ठीक है, वो पंप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये है वो पंप। और इसमें देख सकते हैं इसमें दो, देखिए एक पंप दो का काम करता है, ये देखिए इसके दो, ये दो है। ओके, तो इसके हेल्प से क्या होता है, मुझे दो पंप नहीं यूज़ करना है क्योंकि मुझे वॉल पे बबलिंग चाहिए था और मुझे ये क्या बोलते हैं स्पंज फिल्टर को भी ऑपरेट करना था, तो मैं एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक 5 वाट के पंप से मैं दोनों को चला रहा हूँ। ठीक है, और उस पंप का क्या आपका प्राइस था ऑनली 220 रुपीज़। ठीक है, ये लाइट मेरा परचेज किया हुआ है 160 रुपीज़ का। ठीक है, और इसमें कुछ ये नॉब वगैरह लगाए थे जस्ट 5 रुपीज़ फॉर ईच। ठीक है, तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इस टैंक का प्राइस क्या पड़ा। ठीक है, 240 लीटर का लॉकडाउन के सिचुएशन में टैंक का प्राइस क्या पड़ा, टैंक का मैं बता देता हूँ। ऊपर 6 mm का ग्लास है, ठीक है, और उसके बाद बाकी आपका 8 mm का ग्लास है। ठीक है,
तो ये मेरे को पड़ा ओनली 1400 का। 40 लीटर का पूरा न्यू टैंक मेरे सामने ग्लास काट कर उसने बनाकर दिया है। मतलब मेरे सामने उसने ग्लास काट कर लाया मार्केट से, मेरे सामने उसने फिक्स किया है। 2 से 3 दिन उसने फिक्स होने के बाद छोड़ा, देन वाटर टेस्ट किया, देन 5वें दिन मुझे ये टैंक मिला। ठीक है, तो ये था आज का मेरा वीडियो। हो सकता है आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है, और प्लीज़ लाइक दिस चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर फिशेस एंड एक्वेरियम एंड टैंक। ठीक है, और अगर आप लोगों को जानना है कि कहाँ पे सबसे चीपेस्ट प्राइस में एक्वेरियम का एक्सेसरीज और जो भी शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। बट उसके पहले आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स, देन आई विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, ओके, मैं आप लोगों को वैसा मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो जनरली, मतलब क्या होता है, मैं भी जब ये एक्वेरियम हॉबीज स्टार्ट किया था उस समय मेरे भी काफ़ी खर्चे होते थे। इट इज़ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, एक मंथ में मेरा 5 to 10,000 का खर्च हुआ जब विन आई विल स्टार्ट टू कीपिंग एक्वेरियम। ओके, तो धीरे धीरे मतलब विद इन 6 to 9 months आई हैव कवर्ड माई ऑल द नॉलेज। ओके, और कहाँ से एग्जैक्टली परचेस करना है, किसके यहाँ से परचेस करना है, फिशेज को कहाँ से खरीदना है ताकि मुझे कॉस्टली ना पड़े। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आज का मेरे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।